नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बीते हफ्ते रिलीज हुई विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की चर्चा इस वक्त हर कोई कर रहा है, और हो भी क्यों ना। इस फिल्म ने अपनी रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड जो कायम किए हैं। फिल्म की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए इसकी स्क्रीनों की संख्या भी बढ़ा दी गई थी, लेकिन बीते दिनों IMDb पर फिल्म की गिरती रेटिंग को लेकर सवाल उठाते हुए विवेक अग्निहोत्री ने अपना गुस्सा जाहिर किया था। रेटिंग को लेकर मचे बवाल के बाद IMDb रेटिंग पर कई तरह के सवाल भी उठ खड़े हुए। IMDb पर दी जाने वाली रेटिंग किसी भी फिल्म, सीरीज या अन्य किसी भी सीरीज को हिट या सुपरहिट बनाने में अहम किरदार निभाती है, लेकिन बहुत से लोग जो सिनेमा हॉल या फिर OTT पर ज़्यादा फिल्में देखना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग IMDb रेटिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको IMDb रेटिंग के बारे में सब कुछ बताएंगे, जिससे आपको कश्मीर फाइल्स की IMDb रेटिंग से जुड़ा पूरा विवाद भी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि IMDb रेटिंग होती क्या है। IMDb रेटिंग की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मूवी डेटाबेस रेटिंग। ये एक तरह का इंटरनेट डेटाबेस होता है जहां पर रजिस्टर्ड यूजर रेटिंग और रिव्यू देते हुए नजर आते हैं। ये एक ऑनलाइन डेटाबेस है जो कलाकारों, फिल्मों, टीवी प्रोग्राम्स और वीडियो गेम्स के बारे में दर्शकों को जानकारी उपलब्ध कराता है। दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस कहे जाने वाले IMDb के पास दुनिया भर की फिल्मों, टीवी प्रोग्राम्स, वेब सीरीज, इन सभी की जानकारी होती है। इसके अलावा इसके पास आने वाले समय की फिल्मों और उनकी समीक्षा, बायोग्राफीज, इस तरह का डाटा भी इसके पास मौजूद होता है। IMDb रेटिंग लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय है कि इसकी रेटिंग और रिव्यूज को सीरीज, फिल्मों की सफलता या फिर असफलता का पैमाना माना जाता है। इसकी शुरुआत साल 1990 में डोज आइज के नाम से हुई थी। इसे अंग्रेजी फिल्म प्रशंसक और कंप्यूटर प्रोग्रामर कर्नल नीधम ने बनाया था, और बाद में इसे 1998 में अमेजोन ने खरीद लिया। 1993 में ये कार्डिफ इंटरनेट मूवी डेटाबेस के नाम से वर्ल्ड वाइड वेब पोर्टल पर रहा, और फिर 1996 में IMDb यूनाइटेड किंगडम में शामिल हुआ। इसके बाद ये इंटरनेट मूवी डेटाबेस लिमिटेड बन गया, जिसके मालिक संस्थापक कर्नल नीधम ही बने। इसके बाद साल 1998 में amazon.com के संस्थापक, मालिक और CEO जेफ बेजोस ने नीधम और अन्य प्रमुख शेयरधारकों से IMDb को खरीद लिया था। इसके बाद जेफ बेजोस ने इसे एक सहायक निजी कंपनी के रूप में अमेज़न में जोड़ दिया। मौजूदा वक्त में IMDb पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की कई फिल्में, टीवी शोज, वेब सीरीज को 1 से 10 के बीच में रेटिंग दी जाती है। इन रेटिंग्स के हिसाब से ही सभी फिल्मों और वेब सीरीज को सफल या फिर असफल माना जाता है। IMDb के पास टॉप 250 फिल्मों की एक सूची होती है, जिसमें फ्रैंक डाराबोंट द्वारा निर्देशित द शशांक रिडेम्पशन नंबर 1 पर इस वक्त मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि आप IMDb रेटिंग के जरिए कैसे किसी भी फिल्म, टीवी शो या फिर वेब सीरीज को रेट कर सकते हैं। असल में IMDb पर एक रजिस्टर्ड यूजर भी नियमित रूप से वोट दे सकता है, और रेटिंग देने वाले इस यूजर का नाम भी गुप्त रखा जाता है। IMDb पर किसी भी वेब सीरीज या फिर वीडियो गेम को रिव्यू देने के लिए आपको www.imdb.com पर अपना एक अकाउंट बनाना होता है। इसके अलावा कई सारे कलाकार और फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग IMDb को वार्षिक फीस देकर अपना बायोडाटा और तस्वीरें भी इसमें पोस्ट करा सकते हैं। IMDb की सालाना सदस्यता करीब $150 में मिलती है। तो ये थी फिल्मों को मिलने वाली IMDb रेटिंग की पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि अब आपको IMDb का पूरा खेल समझ में आ गया होगा। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।